घटित हुई थी जिसमें 90 लाख की लूट की गई थी सर मेरे गली में, आज उसका आपने खुलासा किया है, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या हुआ है, पूरी घटना क्या? आज रात्रि में कुछ बदमाशों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें सीओ सिटी में प्रभारी निरीक्षक के द्वारा इसमें टीम को मोबिलाइज किया गया और रामलीला मैदान के पास इस तरह का गैंग देखा गया जहां वो इकट्ठे थे, उनको ललकारा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है जिनको वहाँ चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया, 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है, 3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है, 1 मोबाइल जो लूट की घटना के दौरान ले जाया गया था उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुए थे क्रेटा गाड़ी और जो बाइक्स इस्तेमाल हुई थी उनको भी बरामद किया गया है। अभी हमारे टीमें कई अन्य जनपदों में और प्रदेशों में गई हुई हैं, जल्दी ही जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर जिस तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया था तो अभी और कितने लोग हैं जो कि अभी इसमें वांछित हैं, अभी तक पकड़ में नहीं? इसमें 1 महिला और 6 अभियुक्त और हैं जिनके बारे पर पुलिस काम कर रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। सर इन लोगों ने घटना करने के बाद कैसे कैसे इन्होंने रूट किया, क्या क्या इन लोगों ने कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज की, अब बंटवारा कितने कितने? इसमें एक दिन पहले ये जेठवारा थाना क्षेत्र में एक गैंग आ गया था, दूसरा गैंग अपने कंधई क्षेत्र से ही चला था और उसके बाद ये मैदान में इकट्ठे हुए, वहाँ इन्होंने सुबह भी रैकी की थी, उससे पहले भी रैकी कर चुके थे, इनके पास एक मुखबिर यहाँ लोकल बाजार का उपलब्ध था उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में उसके आसपास का जो सीन था उसका बताया गया, एक बार दुकानदार को देखा गया तो सुरेश सोनी ने तब तक दुकान नहीं खोली थी, उन्होंने बताया कि अभी दुकान बंद है, उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद ये 2 टीमें वहाँ से घटना करने के लिए आई और उसमें 3 लोग जो सीधे जो शॉप के अंदर घुसे उसमें से एक ने इसको सुरेश सोनी को कवर कर लिया और 1 व्यक्ति इसमें तिजोरी के पास चला गया और 3रा व्यक्ति वहाँ से सामान को जो नीचे गिर गया था उसको समेट कर भागता हुआ नजर आया, जिसमें पीले हुड जो लगाया हुआ था, हुडी पहने हुए था, ये रुस्तम नाम का व्यक्ति निकला जो अपने पुराने मामले में कीड़गंज थाने प्रयागराज में जाकर जेल में यह सरेंडर हो गया, अभी ये जेल में है, इसके लिए भी वारंट बनवाया जा रहा है। अन्य जो अभियुक्त हैं इनको रात मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया और जिसमें ज्वेलरी बरामद हुई है और अन्य जो अवैध असले इनके पास से हैं वो बरामद किए गए। सर बंटवारा कितने का हुआ था इन लोगों को? इसमें 2 मोटे हिस्से किए गए, जो 2 गैंग थे आधा आधा हिस्सा इन्होंने लिया, जिसमें 1 गैंग के पास से जो रिकवरी हुई है वो हो चुकी है, दूसरे गैंग के लिए भी कुछ लोग हमने अभी शिनाख्त की है और उनसे रिकवरी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर ये लोग माल भी क्या सर मेरी गली में ही बेचना चाह रहे थे? ये वापस इनका कोशिश की इन्होंने बाहर प्रयागराज अन्य जगह बेचने की, लेकिन इस घटना का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया था जिसके कारण इनका माल माल नहीं बिक पाया था और उसके ऊपर मार्किंग भी थी, इनकी दुकान की मार्किंग थी जिसपे SKD लिखा हुआ था, तो ज्वेलर्स के पास सभी को पता था कि यहाँ लूट की घटना हुई है तो ये मामला खुल सकता था, इसलिए उन्होंने उसी मुखबिर पर फिर से भरोसा किया और उसके लिए यहाँ पर आए। जितनी भी पुलिस टीमें लगी थी क्या क्या उनको? जितनी भी हमारी पुलिस टीमें थी उनको प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं, मेरे द्वारा नकद 50,000 का पुरस्कार इस टीम के लिए स्वीकृत किया गया है और साथ ही जो पुलिस महानिदेशक महोदय की कमेंडेशन डिस्क है उसके लिए गोल्ड डिस्क के लिए एडिशनल SP और अन्य अधिकारियों के नाम इसमें जा रहे हैं, साथ ही जो सिल्वर डिस्क है उसके लिए भी पुलिस कर्मचारियों के और अधिकारियों के नाम भेजे जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।